हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड। हम लोग वकैब का सेट डिस्कस कर रहे थे और वकैब के सेट में अभी हम लोग ने फ्रेजल वर्ब स्टार्ट किया था। 25 सेट डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग 26 टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, सेट को डिस्कस कर रहे हैं। 26 शुरू करें डिस्कशन। कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, उसको पूछना भूलना नहीं है, उसे पूछना कभी भी भूलना नहीं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फटाफट पूछ लेना, फटाफट बता देना है जो भी कहीं से कोई समस्या होगी। चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 26। क्या टू सी रेड, क्या कह रहा है? टू सी रेड, टू बी एंग्री, गुस्सा हो जाना, टू विक्टिमाइज समवन, मैं आपके सामने से अलग हूँ ताकि आप सारे ऑप्शन देख कर पढ़ सके, टू फाइंड फॉल्ट विथ, किसी गलती निकालना, टू क्रिटिसाइज, किसी की निंदा करना, टू सी रेड, क्या मीनिंग निकाल रहे हैं आप लोग? फटाफट बताइएगा क्या मीनिंग है आप लोग के हिसाब से। टू सी रेड, तो टू सी रेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। टू सी रेड का मतलब क्या? तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका, टू बिकम वेरी एंग्री, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड, मैं आपके सामने से अलग रहूँगा ताकि आपको सारा ऑप्शन दिख सके। टू पुश समबडी टू द वॉल, टू पुश समबडी टू द वॉल, यानी किसी को एकदम पुश करके वॉल तक पहुँचा देना, इसका क्या मतलब होगा? टू डिफीट हिम, हराना, टू ह्यूमिलेट हिम, किसी का अपमान करना, टू हैकल हिम, हैकल का मतलब किसी को डिस्टर्ब करना, रोकना, टोकना, हैकल करना, और नॉक हिम डाउन, धक्का मार कर गिरा देना, धक्का मार कर गिरा देना। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? टू पुश समबडी टू द वॉल, टू पुश समबडी टू द वॉल, तो पुश समबडी टू द वॉल का मतलब होता है किसी को जो वो करना चाहता है वो करने नहीं देना, उस काम को पुश टू द वॉल मतलब दीवार के पर आप किसी को धक्का देके दबा दिए, तो किसी को दीवार पे धक्का देके दबा दिए, इसका मतलब क्या कि वो जो करना चाह रहा है वो करने नहीं दे रहे, आप उसकी क्षमता को, उसकी एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं? खत्म कर दे रहे हैं। इसका मतलब आप उसको बहुत ज़्यादा अपमानित कर रहे हैं, इसलिए क्या होना चाहिए था इसका ऑप्शन? क्या ऑप्शन होगा? टू ह्यूमिलिएट हिम, अपमानित करना, इंसल्ट करना, किसी को जो वो करना चाहता है, जो बोलना चाहता है वो करने नहीं देना, बोलने नहीं देना, इसको कहते हैं इंसल्ट करना किसी का, इसलिए क्या हो जाएगा? टू ह्यूमिलिएट हिम। चलो सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू बी इन टू माइंड्स, ये तो आसान है। टू बी इन टू माइंड्स, टू बी इन टू माइंड्स कि दो दिमाग में होना, तो दो दिमाग में होने का मतलब क्या? एक तो पहला भी ऑप्शन ठीक ठाक लग रहा है, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन एल्स, किसी दूसरे के द्वारा डोमिनेट होना, टू बी अनसर्टेन, अनिश्चित होना, टू वर्क ऑन समबडीज एल्स एडवाइस, किसी दूसरे के एडवाइस पे काम करना, टू बी इन अ क्रिटिकल स्टेट, मतलब क्या क्रिटिकल, मतलब क्या गंभीर अवस्था में होना। तो टू बी इन टू माइंड्स का मतलब हुआ कि यह समझ में नहीं आना कि क्या करें, समझ में नहीं आना कि क्या करें क्या ना करें, मतलब असमंजस में होना, दुविधा में होना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा टू बी अनसर्टेन, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा टू बी अनसर्टेन, टू बी अनसर्टेन। नेक्स्ट, टू लीव वन टू सिंक और स्विम, टू लीव वन टू सिंक और स्विम, कि किसी को छोड़ देना, सिंक मतलब क्या? डूबना, या फिर स्विम मतलब तैरना, तो किसी को छोड़ देना, चाहे डूबे चाहे वो तैरे। तो टू बी इन अ डायलेमा, डायलेमा का मतलब क्या हुआ? असमंजस में होना, दुविधा में होना, टू बी इन डायलेमा। टू लीव टू वंस फेट, किसी को उसकी किस्मत के सारे छोड़ देना। टू पुट वन इन डिफिकल्टी, किसी को मुसीबत में डाल देना, प्रॉब्लम में डाल देना। नॉट टू हेल्प वन, नॉट टू हेल्प वन, किसी की मदद नहीं करना। टू नॉट टू हेल्प वन, किसी की मदद नहीं करना, क्या होगा आंसर? नॉट टू हेल्प वन क्या होना चाहिए आंसर बताओ? टू लीव वन टू सिंक और स्विम, टू लीव वन टू सिंक और स्विम, यानी तैरे या डूबे कुछ भी हो उसके किस्मत पे छोड़ देना, यही ना। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड, टू लीव टू वंस फेट, किसी को उसके किस्मत के भरोसे छोड़ देना, किसी को उसके किस्मत के भरोसे छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रिप अप ओल्ड स्कोर्स, टू रिप अप ओल्ड स्कोर्स, क्या होगा?
मतलब टू रिप अप ओल्ड स्कोर्स, टू रिवाइव अ क्वारल, पुराने झगड़ा को जिंदा कर लेना जो पूरे लोग ऑलमोस्ट भूल चुके हैं. टू सेंस्योर समवन इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स, किसी की निंदा करना, सेंस्योर का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना. टू स्ट्रेन वंस थॉट्स टू द मोस्ट, अपने अपने थॉट पर खूब ज़्यादा जोर डालना, दबाव डालना. प्रिजल प्रिजल वन सेल्फ फ्रॉम हार्म, अपने आप को नुकसान से बचाना. क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होना चाहिए. तो रिप अप ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है कि किसी पुराने झगड़ा को फिर से जिंदा करना, जिसको ऑलमोस्ट लोग भूल चुके हैं उसको फिर से जिंदा कर लेना. जो झगड़ा, जो समस्या लोग भूल चुके हैं उसको फिर से जिंदा कर लेना, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा. अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल का मतलब क्या हुआ. स्क्वायर पैग, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ है, ऐसा. राउंड का मतलब क्या हुआ, ऐसा. तो छेद अगर ऐसा हो और कोई इस तरह की चीज उसमें डालना हो, छेद में कभी फिट होगा. कोई राउंड चीज है, गोल आकृति है, उसमें कोई आप स्क्वायर चीज डालना चाहेंगे तो कभी होगा, कभी हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं है. तो स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, तो इसका मतलब क्या हो गया, मिसफिट, अनफिट कह सकते हैं आप. तो एन इम्पॉसिबल टास्क, असंभव काम. दूसरा क्या कह रहा है, ए स्कीम दैट नेवर वर्क्स, ऐसा स्कीम जो कभी काम नहीं करता है. ए पर्सन अनसुटेड टू द पोजिशन ही फील्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो जिस पोजिशन पे आपने उसको डाला है, लगाया है, उस पोजिशन पे वो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है. जिस पोजिशन पे आप उसको लेकर आए हैं उस पोजिशन पे वो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, यही ना. जिस पोजिशन पे आप लेकर आए हैं उस पोजिशन पे वो बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है. तो इसका मतलब क्या ऑप्शन होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए सी ऑप्शन. क्या होना चाहिए, सी. क्लियर है, क्या ऑप्शन होना चाहिए, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं देखता रहता हूँ कैमरे की तरफ और साथ साथ स्क्रीन की तरफ कि कोई सारा बोर्ड आपको ठीक से दिखता है कि नहीं. हट जाऊँ आपके सामने से, लेकिन पहले तो इसको स्क्रीन पे ला दूँ. टू कैरी ऑफ द बेल, टू कैरी ऑफ द वेल, बताइए क्या मीनिंग है. टू कैरी ऑफ द वेल, टू कॉल अदर्स फॉर हेल्प, दूसरे को हेल्प के लिए बुलाना, मंगाना. टू बेक द फर्स्ट पोजिशन, पहला स्थान जीतना, क्या ये हो सकता है, पहला स्थान जीतना. टू स्टील ऑल वेल्थ, कि सारा वेल्थ, सारा पैसा ये चुरा लेना, फ्ली भाग जाना. टू ट्रबल अदर्स, दूसरे को परेशान करना, दूसरे को तंग करना, क्या हो सकता है, दूसरे को परेशान करना, दूसरे को तंग करना, क्या. टू कैरी ऑफ द बेल, टू कैरी ऑफ द बेल, क्या मीनिंग होना चाहिए. टू कैरी ऑफ द वेल, टू कैरी ऑफ द वेल, तो कैरी ऑफ द वेल का मतलब होता है जीतना, सफल होना, सफलतापूर्वक कोई काम करना. तो अगर इस हिसाब से मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, सेकेंड, सफलतापूर्वक कोई काम करना, जीतना. टू कैरी ऑफ द बेल, तो फर्स्ट पोजिशन पाना, ये हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. टू लिव इन क्लोवर, टू लिव इन क्लोवर, टू लिव इन क्लोवर, क्या करें. टू लिव इन ग्रेट कंफर्ट, बहुत ज़्यादा आराम में रहना, लग्जरी विलासिता में रहना. टू लिव अ केयर फ्री लाइफ, ऐसी लाइफ जीना इसमें किस तरह की चिंता ना हो, परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो. टू बी सराउंडेड बाय केयर्स एंड वरीज, कि चारों तरफ से परेशानियाँ, चिंताओं से घिरा हुआ होना. टू लिव इन अ ग्रेट डिफिकल्टी, मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ तो मैं यही देखता रहा हूँ कि जब मुझे यहाँ से स्क्रीन पर दिख रहा है तो आपको भी दिख ही रहा होगा, दिखना भी चाहिए. टू लिव इन ग्रेट डिफिकल्टी, कि बहुत ज़्यादा मुसीबत में रहना, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहना, बहुत ज़्यादा मुसीबत में रहना, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहना. तो लिव इन क्लेवर का मतलब होता है बहुत ऐसो आराम की जीवन जीना, बहुत मज़े से जीवन जीना, इसलिए क्या हो जाएगा ए. टू लिव इन क्लेवर मतलब बड़े खुल, क्लेवर का मतलब क्या होता है, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन, बहुत आराम विलासिता का, जहाँ सुख सुविधा भरा हुआ हो. तो जहाँ सुख सुविधा हो, आराम, ऐसो आराम की चीज़ हो, तो वहाँ लोग मज़े से ही रहेगा. इसलिए पहला ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा इन ग्रेट कम्फर्ट एंड लग्जरी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. पिन मनी, पिन मनी क्या होगा. ब्राइबरी, रिश्वत. मनी पेड फॉर कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया पैसा. एलिमनी, एलिमनी का मतलब क्या होता है. एलिमनी का नॉर्मल होता है स्त्री धन. एलिमनी का मतलब क्या होता है, स्त्री धन. कोई पैसा जो हम महिलाओं को देते हैं उसके काम करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, एलिमनी कहते हैं. क्या कहते हैं, एलिमनी. अलाउंस मेड टू अ लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस, और एक होता है ये तो एलिमनी जो तलाक वगैरह के बाद दिया जाता है,
और अपने खर्च के लिए, जैसे डेली का खर्च है या अपना पर्सनल खर्च है, निजी खर्च है, उसके लिए जो पैसे हम देते हैं, और जब ये पैसे नहीं देते हैं तो महिलाएं पॉकेट से अपने पति के कब वो पैसे निकाल लेती है पता भी नहीं चलता है। इसलिए ईमानदारी से अपने मन से दे देना चाहिए, नहीं तो आपके जेब से कुछ ना कुछ हमेशा गायब होता रहता है, खास करके जब कपड़े धोए जाते हैं तब। और फिर अगर आप कहेंगे कितने पैसे थे तो फिर आपको उल्टा सुनने को मिल जाएगा कि ध्यान व्यान कुछ रहता है, याद वाद कुछ रहता नहीं, कहीं से खर्च करके आ जाते हैं और किसी को कुछ। हमारा काम यही करेगा कि आपके पैसे चोरी करते रहे, आपके पैसे निकालते, आपके पैसे का हमारा क्या काम, आपके पैसे का हमारा क्या काम, ऐसा जवाब मिलेगा। तो बेहतर ये कि अपने मन से देता दे जाना चाहिए। तो अलायंस मेड टू लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस डी, ये बातें जो मैंने अभी कही वो उस महिला पर लागू होता है जो जॉब वगैरह नहीं करती है, घरेलू जो हाउस वाइफ, उसके लिए। हालांकि जो वर्किंग लेडी है वो भी ऐसा करती है, क्योंकि मैं ऐसे लेडीज को जानता हूँ, इसलिए कोई भी कर सकता है ये काम, महिलाओं का विशेष अधिकार है, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, ये तो मुझे लगता है कई बार रिपीट हुआ है, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, वोल्फ को क्या करना, दरवाजे से दूर रखना, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, कि भेड़िए को दरवाजे से दूर। अब ये भेड़िया कौन है भाई, टू कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी से दूर रहना, टू कीप अप एन अनवांटेड अनडिजायरेबल पर्सन, कि कोई ऐसा अनवांटेड जिसको आप चाहते नहीं, जिसको पसंद नहीं करते, उस इंसान को दूर रखना, टू कीप अलाइव जिंदा रहना, टू होल्ड द डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स इन चेक, जो डिफिकल्टीज है जो डेंजर्स उसको चेक यानी नियंत्रण में रखना, इन चेक का मतलब क्या, नियंत्रण में रखना, क्या आंसर होगा भाई। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका था, मैं देखता हूँ इसका तो जवाब आप देखते ही जवाब आपने दे दिया होगा, मैं हट जाता हूँ, मैं इधर खड़े होता तो बोर्ड जो है आपका ढक जाता है, इसलिए मैं इधर खड़े हो रहा हूँ इधर सामने। बताओ भाई, तो कीप अवे फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को यानी बहुत ज़्यादा जो गरीबी है उसको अपने से दूर रखना, यानी ए फर्स्ट, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, अब इसका क्या मतलब है, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, स्टार्ट अनरेवलिंग द मिस्ट्री, रहस्य को, अनरेवल का मतलब क्या, खोलना, बिगिन टू डिस्कस सेक्रेट मैटर्स, जो सेक्रेट मैटर्स है उसको डिस्कस करना शुरू कर देना, बिगिन टू टॉक इन प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स, कि सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स में बात करना शुरू करना, गेट इन टू द थिक ऑफ अ प्रॉब्लम, कि जो किसी समस्या की जो गहराई है, जड़ है, वहां तक पहुंचना। तो बेसिकली गेट डाउन टू ब्रास टैक्स का मतलब होता है किसी चीज को एकदम जो मेन मुद्दा है उस पर आकर सीधा बहस कर लेना, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे डिस्कस करना, उस मुद्दे पर आ जाना। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस हिसाब से इसका एक ही ऑप्शन बनता है और वो ऑप्शन है सी, गेट डाउन टू द ब्रास टैक्स, मतलब किसी चीज़ का जो फंडामेंटल बेसिक जो चीज़ें हैं उस पर बात करना, इधर उधर की बातें नहीं करना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बेसिक थिंग है, जो फंडामेंटल चीज़ है, जो जरूरी चीज़ है, उस पर सीधी बात करना, गेट डाउन टू द ब्रास टैक्स। इसलिए सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेहतर है, सी ऑप्शन सबसे ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, टू शो द व्हाइट फीदर, टू शो द व्हाइट फीदर, सफेद पंख दिखाना, अब यस टू शो व्हाइट फीदर का मतलब सफेद पंख दिखाना, अब सफेद पंख दिखाने का मतलब क्या हो सकता है भाई, सफेद पंख दिखाने का मतलब क्या हो सकता है, जरा सोचना है, सफेद पंख दिखाने का क्या सेंस हो सकता है, अभी हमारे जो बैटरी है कभी भी जवाब दे सकता है, देखते हैं कब तक चलता है, देखते हैं कब तक चलता है, इसलिए मैंने हाथ में ले लिया। तो शो द वे द फीयर, ये तो होता है डर दिखाना, भय दिखाना, तो साइंस ऑफ कॉवर्डिस यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट पीस शांति, वैसे वाइट जो है शांति का प्रतीक है, सो अरेगंश गुस्सा दिखाना, बिकम पोलाइट विनम्र हो जाना, लेकिन वाइट फीयर जो डर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, किसके लिए, डर के लिए, इसलिए ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड, एवेन्यू का मतलब क्या होता है, जगह या स्थान, तो कोई भी एवेन्यू, कोई भी जगह को अनएक्सप्लोर्ड यानी बिना ढूंढे हुए नहीं छोड़ना, किसी भी एवेन्यू को बिना ढूंढे हुए नहीं छोड़ना, अनएक्सप्लोर्ड नहीं छोड़ना, तो बताओ अनएक्सप्लोर्ड नहीं छोड़ने का क्या मतलब हो जाएगा, बताओ बताओ, मैं सामने ही हूँ, अनएक्सप्लोर्ड नहीं छोड़ने का क्या मतलब होगा, कि अनएक्सप्लोर्ड नहीं छोड़ना, किसी भी एवेन्यू को अनएक्सप्लोर्ड नहीं छोड़ना, क्या सेंस होगा, सामने सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो इसका मतलब क्या, हर चीज को तलाशना, कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है शक करना, टू रोम अबाउट का मतलब होता है, रोम का मतलब इधर उधर घूमना,
टू ट्राई एवरी सोर्स, हर तरह के सोर्स को ट्राई करना, हर तरह के सोर्स को देखना, देखने की कोशिश करना, टू डिपेंड ऑन, किसी पे निर्भर करना. तो बेटर ऑप्शन क्या है, क्या होना चाहिए, ये सी थर्ड ऑप्शन. क्या होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन, हर चीज को ट्राई करना, हर चीज को देखना. स्पीक एंड स्पैन, जरा इसका बताना, स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन भी कई बार रिपीट हुआ है मेरे ख्याल से. स्पीक एंड स्पैन भी कई बार रिपीट हो चुका है, स्पीक एंड स्पैन. तो स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या था, बिल्कुल साफ सुथरा. तो इसलिए सीधा हम लोग इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नीट साफ सुथरा स्वच्छ कई बार आ चुका है, नीट एंड क्लीन, और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है. टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल्स, टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल्स, यानी किसी का जो नाव चल रहा है उसमें जो पाल लगा हुआ था, जैसे कि नाव कहते हैं, उसका हवा ही निकालना. तो हवा की वजह से तो नाव चलती है, हवा के दबाव की वजह से तो चलती है, उसका हवा निकाल देंगे तो मतलब क्या, ख़त्म, नाव बंद. तो टू मैनेवर टू मिसलीड अंदर ऑन द हाई सीज, कि मैनेवर का मतलब क्या, गलत तरीके से या कुछ उल्टा सीधा हरकतें करना ताकि दूसरे को मिसलीड कर सके. टू काज हार्म टू अनदर, दूसरे को नुकसान पहुँचा देना. टू डिफीट द मोटिव्स ऑफ अनदर, दूसरे के मोटिव को डिफीट कर देना. टू एंटिसिपेट अनदर एंड टू गेन एडवांटेज ओवर हिम, कि किसी को एंटिसिपेट कर लेना, पहले से अंदाज लगा लेना और फिर उसका फ़ायदा उठा लेना. टू टेक द विंड आउट ऑफ अनदर सेल्स या समवन सेल्स का मतलब है कि मतलब किसी क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा हुआ, किसी को नुकसान, कोई कुछ काम करना चाह रहा था, उसके हवा ही आपने निकाल दी, यानी उसको आपने नुकसान पहुंचा दिया. सिंपल सी ये मतलब है ना, आपने उसको नुकसान पहुंचा दिया, ये सीधा सीधा सेंस निकल रहा है. इसलिए क्या ऑप्शन होगा, बी सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, टू कॉज हार्म टू अनदर. नेक्स्ट, टू कैरी द कोल्ड टू द न्यू कैसल. न्यू कैसल का मतलब क्या हो गया, नई बिल्डिंग, नया राजभवन, और नए बिल्डिंग और नए राजभवन में आप क्या ले जा रहे हैं, कोल ले जा रहे हैं, कोयला ले जा रहे हैं. इसका मतलब क्या कि आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं क्या, राजभवन में आप कोयला ले जा रहे हैं, फिनिश हो जाओ, किसी काम को समाप्त करना. और क्या, टू डू अननेसेसरी थिंग्स, अनावश्यक चीज़ें करना. टू डू मीनियल जॉब्स, छोटे छोटे काम करना, नीच काम करना. तो राजभवन में बड़ी सी बिल्डिंग में कोयला ले जाना क्या अनावश्यक है, कोयला ले जाने की कोई जरूरत नहीं, ये तो नहीं सोच के जाएगा खाना बनाने के लिए कोयले की बहुत जरूरत है इसलिए राजभवन में कोयला लेके जाएं, जहां राजभवन बना रखा वो खाना पीने की व्यवस्था होगी. तो इसलिए टू ब्रिंग कोल टू न्यू कैसल का मतलब क्या, कोई अननेसरी, कोई अनावश्यक चीज़ करना है, कोई ऐसा काम करना जिसका वहाँ पर कोई जरूरत ना हो, कोई आवश्यकता नहीं. तो क्या हो जाएगा, सी. नेक्स्ट, टू टर्न द कवर, टू टर्न द कवर, कवर बदल लेना. टू वर्क हार्ड टू टेक अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन का न्यू पहले देखना. पास द क्राइसिस, संकट से गुजर जाना. टू हाइड द रियलिटी, सच्चाई को छुपा लेना. टू टर्न द कवर, तो टर्न द कवर का मतलब क्या, मतलब जो हालात है, जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसको टर्न कर देना, उसको बदल देना. जो हालात है, जो परिस्थिति है, उसको बदल देना, उसको टर्न कर देना. ये क्या कहलाएगा, टर्न द कवर, टू टर्न द कवर. तो इसलिए इसका सिंपल सा मीनिंग होगा, टू पास द क्राइसिस, यानी जो संकट की स्थिति है, जो बुरा समय है, जो बुरा वक्त है, उसको निकाल देना, उससे बाहर आ जाना. ठीक है, उससे बाहर आ जाना. तो टेक द, टू पास द क्राइसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डबल क्विक टाइम, ये तो आसान सा है, तो देखते ही बन जाने वाला है. इन डबल क्विक टाइम, डबल क्विक टाइम, क्या कहेंगे, डबल क्विक, एक तो क्विक टाइम ऊपर से कह रहा है डबल, इन डबल क्विक टाइम, इन डबल क्विक टाइम. तो इन डबल क्विक टाइम का सीधा मतलब क्या हो गया, वेरी क्विकली, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से. द प्रॉस एंड कॉन्स, ये भी आपने बना रखा है, द प्रॉस एंड कॉन्स पहले भी आ रखा है, प्रॉस एंड कॉन्स रिपीट हो रहा है. प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब क्या है, किसी का अच्छा पहलू भी और बुरा पहलू भी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों. तो फॉर एंड अगेंस्ट अ थिंग, फॉल एंड फेयर, फॉल एंड फेयर, गुड एंड एविल, फॉर्मर एंड लेटर, फॉर एंड अगेंस्ट, यानी किसी के फेवर में भी और किसी के खिलाफ में भी. इसलिए सीधा सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट. प्रॉस एंड कॉन्स का सीधा मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, यानी किसी के फेवर में भी और किसी के, जो कोई चीज़
मतलब पक्ष विपक्ष किसी चीज़ की अंदर बाहर दोनों चीज़ें बात करना, उसके खिलाफ जो बातें उसे भी करना, जो फेवर में बात है उसे भी करना, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए सोप टू सर्बरस, ए सोप टू सर्बरस। अब क्या मतलब इसका ए सोप टू सर्बरस? ब्राइवरी, रिश्वत, हज मनी, रैनसम टू एन एनिमी और मनी फॉर कंपनसेशन। ए शॉप टू सर्बरस क्या होना चाहिए? ए शॉप टू सर्बरस। क्या मीनिंग होगा? तो ए सॉप टू सर्बरस क्या कहें? तो ब्राइब, हस मनी, तो ब्राइबरी और हस मनी दोनों तो रिश्वत एक ही चीज होता है। रैनसम टू एन एनिमी की किसी रैनसम एनिमी को रैनसम देना, मनी फॉर कंपनसेशन क्या करें? इसमें दो जो मीनिंग है वो दो बिल्कुल सिमिलर मीनिंग दे रखा है। गड़बड़ी इस बात की है कि दो बिल्कुल सिमिलर मीनिंग दे रखा, ब्राइबरी और हस्बैंड दोनों की रिश्वत ही है। वैसे सॉप और सर्वर्स का जो मीनिंग होता है मैं बताता हूँ। सॉप और सर्वर्स का मीनिंग होता है कि किसी को मुंह बंद रखने के लिए जो पैसा देते हैं, किसी को मुंह बंद रखने के लिए जो पैसा देते हैं उसको हम कहते हैं सॉप ऑफ सर्वर्स, कि भाई जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, जो आपके राज को फास कर सकता है, जो आपके राज को बाहर कर सकता है, जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो जो इंसान हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, जो हमारे लिए राज को बाहर कर सकता है, ऐसे इंसान को जो पैसा देते हैं चुप रहने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ए सॉप ऑफ सर्वर्स। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ब्राइब और रिश्वत भी बिल्कुल ऐसा ही मीनिंग रखता है, हस मनी भी इसी को कहते हैं। तो अब दोनों में से अगर हमको चुनना होगा तो हम चुनेंगे हस मनी, क्योंकि सोप ऑफ सर्वर्स का मीनिंग मैंने बताया, क्या बताया कि कोई व्यक्ति जो राज आपका जानता है, उस व्यक्ति से राज को छुपा कर रखने के लिए जो पैसा हम देते हैं, कि भाई मुंह बंद रखने के लिए जो पैसा दिया जाता है किसी को, उसको हम लोग कहते हैं सॉप ऑफ सर्वर्स। और सेम ऐसा मीनिंग होता है हस मनी का, इसलिए हम क्या देंगे मीनिंग। वैसे नॉर्मली बुक वगैरह हम देखेंगे तो हस मनी और ब्राइब सिमिलर आपको मिलेगा, लेकिन रिश्वत हम किसी और काम के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन हस मनी हम तभी देते हैं जब हम किसी को मुंह बंद करने के लिए जो पैसा, अपराध छुपा कर रखने के लिए पैसा, ये इसलिए बी ऑप्शन जो है ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, गिव वन अ लॉन्ग रोप। तो किसी को लंबा रस्सी दे देना। अब इसका क्या मतलब होगा किसी को लंबा रस्सी दे देना? टू स्पीक ऑल इल ऑफ, किसी की बुराई करना, टू गेट इन टू ट्रबल, मुसीबत में चले जाना, टू डिसमिस, खारिज करना, टू अलाउ ए मैन टू कंटिन्यू हिज मिस्टेक्स और क्राइम्स, यानी किसी को ऐसे स्थिति में रख देना कि वो अपने क्राइम को हमेशा करता ही रहे, चलता ही रहे, तो ये ऑप्शन जो है ज़्यादा बेहतर है। कौन सा? टू अलाउ ए मैन टू कंटिन्यू हिज मिस्टेक, डी ऑप्शन, टू गिव समवन, मतलब गलती पे गलती किया जा रहा है और छूट दिया जा रहा है। टू हिट द नेल ऑन द हेड। तो सेटल द ओल्ड स्कोर, पुराने हिसाब के तो आपको बराबर करना। गेस राइट, सही तरीके से तुक्का मारना। टू कैच समवन नैपिंग, यानी किसी को सोते हुए पकड़ लेना। टू हिट द टारगेट, अपने लक्ष्य, अपने निशाने को साबित पर हिट करना। क्या मीनिंग होना चाहिए? तो हिट द टारगेट का मतलब होता है किसी चीज़ का सही अंदाज़ जो होने वाला है वो सही आप बात पकड़ लेना, यानी किसी चीज़ के जो होने वाला है, जो हो सकता है, उसके विषय में सही अंदाज या अनुमान लगाना। टू हिट द टारगेट, यानी जो आपने सोचा, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हो गया, या जैसा होने वाला था, जो हो सकता था, आपने बिल्कुल वैसा ही कह दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टू हिट द नेल
ऑन द हेड. क्या कहते हैं? टू हिट द नेल ऑन द हेड. इसलिए इसका बेहतर ऑप्शन क्या होना चाहिए? टू गेस राइट. क्या होना चाहिए? टू गेस राइट. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. ए बेकर्स डजन, ये भी कई बार रिपीट किया है. ए बेकर्स डजन क्या है? अ बेकर्स डजन. तो एक तो डजन है, 12 को डजन कहते हैं, और जो ये 13 जो होता है, 13 कितने? 13, इसको हम लोग कहते हैं बेकर्स डजन. इसलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बेकर्स डजन, 13 बेकर्स डजन. नेक्स्ट, टू हैव फुल हैंड्स, एकदम हाथ भरे हुए होना. टू हैव फुल हैंड्स, क्या मीनिंग निकलेगा इसका? टू हैव फुल हैंड्स, हाथ भरे हुए होना, हैव फुल हैंड्स. तो आपके हाथ भरे हुए हैं, इसका मतलब क्या कहते हैं? जैसे हिंदी में कहते हैं हाथ मेरा बिल्कुल खाली नहीं है. तो हाथ मेरा बिल्कुल खाली नहीं है, इसका मतलब क्या? हम बहुत ज़्यादा बिजी, ढेर सारे काम हमारे हाथ में. तो इसके विषय में देखें तो फुली ऑक्यूपाइड, एकदम पूरी तरह से व्यस्त होना. टू बी रिच, अमीर होना. टू बी इन लॉट ऑफ ट्रबल्स, बहुत सारे मुसीबत में होना. टू लीड एन ईजी लाइफ, बहुत आसान जीवन जीना. तो टू हैव फुल हैंड्स का मतलब हुआ कि हमारे पास बहुत सारे काम, ढेर सारे काम होना, बहुत अधिक काम होना. तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा? टू बी फुली ऑक्यूपाइड, यानी ए. फुली ऑक्यूपाइड का मतलब होता है व्यस्त, किसी काम में लगा हुआ. ऑक्यूपाइड का मतलब क्या? व्यस्त, किसी काम में लगा हुआ. तो फुली ऑक्यूपाइड है इसका मतलब ढेर सारा काम है, खूब काम करने के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए. टू रन अमक, ये भी कई बार पूछा हुआ है. टू रन अमक, रन अमक का मीनिंग पहला क्या निकलना चाहिए? टू रन अ रेस, क्या रहा है? रन अ रेस का मतलब क्या? रेस, रेस में दौड़ना, हिस्सा लेना. टू रन अबाउट इन फ्रेंजी, उन्माद से, सनक से, झक से, इधर से उधर दौड़ते रहना. टू फील एग्जॉस्टेड, बहुत थका हुआ महसूस करना. टू रन इन टू समबडीज हेल्प, किसी की मदद कर लिए दौड़ना. तो रन अमक का मतलब होता है एकदम वायलेंट हो जाना, अपने आप पे नियंत्रण नहीं होना, अपने आप पे कंट्रोल नहीं होना. रन अमक, वायलेंट, एंग्री. तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? टू रन आउट इन फ्रेंजी, गुस्से में, उन्माद में, पागलपन में, वायलेंट होकर, हिंसक होकर, इधर से उधर दौड़ना. तो क्या आंसर होना चाहिए? बी. ठीक है, एकदम उग्र और हिंसक होकर इधर उधर दौड़ना, भागना, कुछ भी कर देना. अ बुल इन अ चाइना शॉप, तो अ बुल इन अ चाइना शॉप का क्या मतलब? तो नॉर्मली अ बुल इन चाइना शॉप का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दुकान वगैरह में या कोई इंपॉर्टेंट जगह पर जाए और वहां चीजों को संभाल ना पाए, जिस चीज को छू दे उसी गिरा, किसी से टकरा जाए, किसी से धक्का लग जाए, इधर के सामान को उधर गिरा दे, उधर जाए तो उधर गिरा दे. ऐसा आपने फिल्मों वगैरह में कई बार देखा होगा, इसको कहते हैं बुल इन चाइना शॉप. जैसे एक बच्चा किसी कीमती जगह पर आपने भेज दिया, पता नहीं किस सामान को कहाँ हिट कर देगा, कहाँ गिरा देगा, तो इसी को हम कहते हैं बुल इन चाइना शॉप. तो इसके हिसाब से मीनिंग देखें तो क्या देखें जरा आप सोचिए, मैं आपके सामने इसलिए मैं हट जाता अभी, सभी मैं सामने हो गया तो आपको नहीं दिखा. ए पर्सन हु इज़ वेरी अगली बट लव्स द ब्यूटीफुल थिंग्स, कि खुद बहुत बुरा हो लेकिन अच्छी चीज़ों को पसंद करता हो. ए पर्सन हु टेक्स अ सैडिस्टिक डिलाइट इन हार्मिंग इनोसेंट पीपल, कि मासूम लोगों को नुकसान पहुंचा के बहुत आनंद लेता है. ए पर्सन हु बिकम्स टू एक्साइटेड व्हेन नो एक्साइटमेंट इज वारंटेड, ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए जहाँ एक्साइटमेंट की जरूरत ही नहीं है. ए पर्सन इज रफ एंड क्लमजी, क्लमजी का मतलब क्या? बेतुका बनेगा. वेर स्किल एंड केयर आर रिक्वायर्ड, कि जहाँ स्किल और केयर की जरूरत है वह बेतुका बेधंगे ढंग से काम करते हैं. यानी डी ऑप्शन, यही ऑप्शन होगा डी, कि जहाँ स्किल की जरूरत है वहाँ क्लमजी हो जाता है, बेतुका बेढंगा हो जाता है. डी. नेक्स्ट, बाय फेयर मीन्स और फॉल, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है. बाय फेयर और मीन्स और फॉल का मतलब क्या होता है? उचित अनुचित किसी भी तरीके से, सही गलत किसी भी तरीके से, उचित अनुचित किसी भी तरीके से. तो विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस, विदाउट डिफिकल्टी, इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, सीधा ऑप्शन क्या हो गया? सी, कि किसी भी तरीके से, चाहे ईमानदारी से हो चाहे बुराई से हो, किसी भी तरह से हो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उचित अनुचित किसी भी तरह से. हिंदी में कहते हैं घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए. तो यही है बाय फेयर मीन्स और फॉल, उचित अनुचित किसी भी. इसके लिए दूसरा भी होता है बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक, ये भी होता है बाय हुक और बाय क्रूक, ये भी कई बार पूछा है. नेक्स्ट, टू लुक डाउन वंस नोज एट, टू लुक डाउन वंस नोज, कि अपनी नाक देखना किसी की तरफ करके. तो ये क्या मतलब होगा भाई? लुक डाउन वंस नोज एट, लुक डाउन वंस नोज एट, क्या कहने का सेंस हो सकता है भाई? टू बैकवाइट, किसी की निंदा करना. बैकवाइट क्या है? किसी की निंदा करना. टू शो एंगर, गुस्सा दिखाना. टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, कि दूसरे के उपस्थिति में निंदा, इंसल्ट करना. टू रिगार्ड विथ हाफ हिडन डिस्प्लेजर और कंटेम्प्ट, कि छुपी हुई भावनाओं से, छुपी हुई भावनाओं से किसी को निंदा करना या किसी को
कुछ कहना, छुपी हुई भावना, हिडन भाव, तो इसके क्या हो जाएगा, यही, यानी किसी को छोटा समझना, किसी को उसका उचित सम्मान या रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं देना, किसी को उसका उचित सम्मान रिस्पेक्ट या इज्जत नहीं देना, या किसी को जानबूझकर छोटा समझना, अपने से लेस इंपॉर्टेंट, अपने आप को सुपीरियर समझना, सामने वाले को छोटा समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना और छोटे वाले को सामने वाले को छोटा समझना, इसलिए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, फोर्थ डी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हार्ड प्रेस्ड, हार्ड प्रेस्ड पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बिविल्डर्ड मतलब क्या, आश्चर्य में हो, इंसल्टेड अपमानित हो, हार्ड डिसिप्लिन काफ़ी सख्त डिसिप्लिन वाला हो, इन डिफिकल्टीज प्रॉब्लम में, तो हार्ड प्रेस का मतलब होता है इसको पैसे की दिक्कत हो, जिसका सिचुएशन ठीक ना हो, अच्छा ना हो, आर्थिक तंगी या फाइनेंशियल क्राइसिस में जो होता है उसको कहते हैं हार्ड प्रेस, जिसको बहुत चीज़ों की आवश्यकता है और अपनी आवश्यकताओं को ठीक से पूरा नहीं कर पाता, इसलिए क्या हो जाएगा डी, हार्ड प्रेस्ड। नेक्स्ट टू बी वंस, टू बी एट वंस फिंगर्स एंड, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं चुटकियों में, ये काम तो फटाफट कर देंगे, चुटकियों में कर देंगे, चुटकियों में, तो चुटकियों में कर देंगे, फटाफट कर देंगे, तो टू बी मतलब किसी के लिए बहुत आसान, टू बी होपलेस उम्मीद के बिना, टू बी हाईली एक्सपरप्लेक्स बहुत ज़्यादा चिंतित, टू बी कम्प्लीटली कन्वर्सेशन विथ मतलब क्या कि किसी चीज़ में करने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या कन्वर्सेशन मतलब बहुत ही ईजी से जो कर सकता है, टू काउंट थिंग्स जो आसानी से क्या करे चीज़ को गिन ले, तो बेहतर ऑप्शन क्या है कन्वर्सेंट मतलब किसी चीज़ को बहुत आसानी से कर देने वाला, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या ऑप्शन है सी। नेक्स्ट टू पुल स्ट्रिंग्स, रस्सी खींचना, तो रस्सी हम कब खींचते हैं भाई, जब कठपुतलियों का खेल होता है, तो कठपुतली नाच रहे होते हैं और नाचता वो जो स्ट्रिंग जो पीछे से पर्दे के पीछे रहकर खींच रहा होता है उसके आधार पर नाच रहा होता है ना, उसके आधार पर वो नाचता है, तो इसका मतलब क्या है पीछे से प्रभाव जगाना, पीछे से प्रभाव लगाने किसी के पीछे, तो एग्जर्ट हिडन इन्फ्लुएंस छुपा हुआ इन्फ्लुएंस दिखाना, तो पहला ही ऑप्शन बन गया, दूसरे की तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है, रस्सी खींचना किसी का कठपुतली वाले खेल में होता है, आपने देखा भी होगा राजस्थान वगैरह में काफ़ी ये पॉपुलर खेल है। एक ग्रीन हॉर्न क्या कर, एनवियस लेडी जलने वाली महिला, ट्रेनी जो अभी प्रशिक्षित है, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन अनुभवहीन व्यक्ति, ए सॉफ्ट हार्टेड मैन जिसका हृदय क्या बड़ा सॉफ्ट हार्टेड हो, तो ग्रीन हॉर्न का मतलब था नव सीखुआ, अनारी, इनएक्सपीरियंस्ड, नोवाइस, तो हम क्या लिखेंगे नोवाइस, इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन, तो इसलिए क्या हो जाना चाहिए ग्रीन हॉर्न का एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, एन अनुभवहीन व्यक्ति, इसको किसी चीज़ का ज़्यादा अनुभव ना हो उसको कहते हैं इनएक्सपीरियंस्ड मैन। नेक्स्ट टू बी ओल्ड एज द हिल्स, टू बी ओल्ड एज द हिल्स यानी इतना पुराना होना, इसे पहाड़ समंदर ये सब बरसों पुराने हजारों साल पहले पुराने बोलेंगे, तो टू बी ओल्ड एज हिल्स तो मतलब क्या बहुत ज़्यादा ही पुराना होना यही मीनिंग आ सकता है ना, तो क्या हो जाएगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा बहुत ज़्यादा पुराना होना, टू बी वेरी एंसेंट बहुत प्राचीन होना, बहुत ज़्यादा पुराना होना। टू लुक शार्प, क्या कह रहे हैं टू लुक शार्प, टू कंसंट्रेट किसी पर ध्यान देना, स्पीक रफली, रफली बोलना, टू बी अटेंटिव एंड एक्टिव बहुत ध्यान देना और बहुत एक्टिव होना, एंड टू बी क्विक बहुत तेज होना, टू लुक शार्प, तो लुक शार्प का क्या मतलब होगा, क्या मतलब होना चाहिए लुक शार्प बताओ आप लोग के हिसाब से क्या है लुक शार्प, तो लुक शार्प का मतलब क्या है कि बहुत जल्दी में फुर्ती में काम करना, तो क्या होगा टू बी क्विक लुक शार्प मतलब बहुत तेज में जल्दी जल्दी काम करो लुक शार्प। टू शो वंस टीथ, दांत दिखाना कहते गुस्सा देखे दांत आ रहा है बाहर, तो जब ऐसे हम बात करते हैं तो दांत बाहर आके बात करता कई बार, इसका मतलब टू शो वंस टीथ का मतलब क्या रेडिकुल का मतलब मजाक बनाना, टू फेस डिफिकल्टी परेशानियों का सामना करना, टू अडॉप्ट अ थ्रेटनिंग एटीट्यूड मतलब क्या धमकाने वाला अंदाज डराने वाला अंदाज इख्तियार करना, यानी किसी को डराना या धमकाना, इसलिए इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा टू अडॉप्ट अ थ्रेटनिंग एटीट्यूड सी, 35 का क्या हो जाएगा सी थ्रेटनिंग एटीट्यूड डराने वाला एटीट्यूड ले लेना, धमकाने वाला एटीट्यूड लेना, डराने या जो इसको हम
अच्छा है वैसे ये हाथ में लेकर मैं बता रहा हूँ, नहीं तो कभी भी अगर हो चुका है ऐसा मेरे पास कई बार तो आवाज़ चली जाती है और अब मुझे लगता है कि पूरा साथ देगा ही आवाज़, क्योंकि अब क्वेश्चन तो ख़त्म ही होने वाला है। टू पॉर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, तो जैसे देखिए उबलते पानी वगैरह हम जब हम सरसों का तेल या कुछ देते तो क्या होता है ठंडा हो जाता है, कभी देखो और क्या ऐसा कि पानी अगर बहुत तेज उबल रहा हो और उस पर आप सरसों का तेल डाल देते हो पानी क्या है बिल्कुल उबलना बंद हो जाता है। सरफेस टेंशन वगैरह बहुत सारे काम नियम कानून लगता है लेकिन पानी ठंडा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मुसीबत में उबलना मतलब मुसीबत है तो उसको ठंडा कर देना। तो फोमेंट ट्रबल, आग में घी डालना, ऐड टू द ट्रबल, ट्रबल को बढ़ाना, तो ए और बी तो सेम, इंस्टिगेट उकसाना, ये तीनों तो एक ही हो गया। इसका मतलब ये तीनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है क्योंकि तीनों सिनोनिम्स हैं। तो फिर बचा क्या, काम और क्वारल विद सम सूथिंग वर्ड। सूद का मतलब क्या होता है, सुकून देने वाले, सुकून या आराम या चैन देने वाला, राहत देने वाले वर्ड बोलकर किसी को ठंडा करना। तो फिर क्या हो जाएगा, डी डी ऑप्शन हो जाना चाहिए। क्या ऑप्शन होना चाहिए, डी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। टू प्ले ऑन अ फिडल, अब देखो इसमें दो idiom होता है, एक होता है प्ले ऑन अ फिडल और एक है प्ले ऑन अ सेकेंड फिडल। एक है प्ले ऑन अ फिडल, एक प्ले ऑन अ सेकेंड फिडल। तो प्ले ऑन सेकेंड फिडल का मतलब होता है सब्सिडरी रोल खेलना, सहायक की भूमिका निभाना। इसका मतलब प्ले ऑन फिडल का मतलब क्या होगा, मेन रोल निभाना। तो एक तो होगा प्ले ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, टू बी, तो क्या हो जाना चाहिए, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सेकेंड फिडल में सहायक भूमिका, तो प्ले ऑन फिडल का मतलब मेन भूमिका निभाना, सीधी सीधी बात हो गई। नेक्स्ट, टू माइंड वन स्पीच एंड क्यूज, अपने पीच और क्यूज को सुधारने हैं। पी और क्यू लिखने में पहले क्या होती है, या बच्चों को बहुत ज़्यादा गलती होती है, तो माइंड योर पीच एंड क्यूज लिख रहा है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, सावधान होना, टू बी एक्यूरेट एंड, देखिए सारे ऑप्शन इसके क्लोज है, टू बी केयरफुल ऑन वंस अकाउंट्स, के अपनी तरफ से सावधान होना, टू बी केयरफुल ऑफ वंस पर्सनैलिटी। तो माइंड वंस पी एंड क्यूज का मतलब अपने बोलने का, अपने पहनने का, अपने चलने का ध्यान रखना, मतलब अपने पर्सनैलिटी का, अपने बिहेवियर का, अपने स्पोकन का, हर चीज़ का ध्यान रखना। क्या कहते हो, माइंड वन स्पीच एंड क्यूज, कि हमारा व्यवहार कैसा, हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, इन सब चीज़ का ध्यान रखना। क्या कहते हो, टू माइंड वन स्पीच एंड क्यूज, इसलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट, एट वंस बेक एंड कॉल, एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब होता है किसी के इशारों पर नाचना। एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब क्या है, किसी के इशारों पर नाचना, एट वंस बेक एंड कॉल, किसी के इशारों पर नाचना। तो क्या हो, इंजॉइंग वन सेल्फ विथ केयरिंग फॉर अदर्स, टू बी ऑलवेज एट वन सर्विस, टू बी अंडर वन सब्जुगेशन, टू बी इन एन एडवांटेज यस पोजिशन। तो टू बी ऑलवेज एट वन सर्विस यानी किसी की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना, तो ये क्या होगा, ये सबसे टू बी एक्ट मतलब किसी के इशारों पर नाचना, कभी वो कुछ भी कहेगा उसके लिए तैयार होना। ये वैसे सी भी जो है ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन बेहतर ऑप्शन बी और सी में से बी है, क्योंकि टू बी एक्ट का मतलब किसी के लिए एकदम तैयार रहना, जब भी वो कुछ कहेगा उसके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार रहना, कुछ भी कहेगा तो उसको करने के लिए तैयार होना, इसलिए बी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, स्वैन सॉन्ग, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार हमने पहले भी देखा है स्वैन सॉन्ग। तो स्वैन सॉन्ग क्या होता है, कोई राइटर है, कोई ऑथर है, वो जो उसका जो लास्ट कंपोजिशन होता है, यानी ऐसा कंपोजिशन के बाद फिर वो मर जाता है या कोई दूसरा कंपोजिशन नहीं करता है, तो उसको हम कहते हैं श्वैन सॉन्ग। श्वैन सॉन्ग तो क्या हो जाएगा, म्यूजिक नहीं होगा, मेलोडियस सॉन्ग नहीं होगा, प्रेज ऑफ वोमेन नहीं होगा, लास्ट वर्क ऑफ पोइट और म्यूजिशियन बिफोर डेथ, यानी मरने से पहले जो कोई काम एक्शन करते हैं वही क्या कहलाता है, श्वैन सॉन्ग, मतलब पूरी वफादारी के साथ निभा गया ये। मुझे डर था कहीं बैटिंग चला ना जाए, चला गया, ओके बच गया, तो डी होना चाहिए था। यह स्वैन सॉन्ग कई बार पूछा है, टू प्ले टू द गैलरी, प्ले टू द गैलरी, अब इसका क्या मतलब है, टू वर्क हार्ड टू अचीव द बेस्ट, कि सबसे बेहतर पाने के लिए बहुत अच्छी मेहनत, कड़ी मेहनत करना, टू ट्राइंग टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम लास्ट इंटेलिजेंट पीपल, लिस्ट इंटेलिजेंट पीपल, कि जो कम महत्वपूर्ण व्यक्ति है उससे तारीफ लेने की कोशिश करना, यूज रॉन्ग मीन्स टू अचीव सक्सेस, गलत तरीके का इस्तेमाल करना सफल होने के लिए, टू एबल टू डू अ वर्क इजिली, किसी काम को आसानी से कर पाना। टू प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है कि महत्वपूर्ण चीज़ों को छोड़कर छोटे छोटे लोगों को खुश करने को, यानी जो इम्पॉर्टेंट है वो नहीं करना, बल्कि ऐसा काम करने से लोग खुश हो, यानी जो जरूरी है जो अच्छा है वो काम नहीं करना, बस वो काम करना जिससे लोग खुश हो, चाहे वो बुरा हो चाहे कहीं भी कैसा भी काम हो, इसको कहते हैं प्ले टू द गैलरी, यानी जो इम्पॉर्टेंट है, जो जरूरी है, जो महत्वपूर्ण काम वो नहीं कर रहे, बस वो काम कर रहे हैं जिससे लोग बस खुश हो जाए, इसको कहते हैं प्ले टू द गैलरी। तो ये क्या हो जाएगा फिर, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस, तो ब्रेक द आइस ये भी कई बार रिपीट हुआ है, स्टार्ट क्वारलिंग झगड़ा शुरू कर लेना, टू एंड द हॉस्टिलिटी दुश्मनी खत्म करना,
स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना, टू एंड अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को खत्म कर लेना, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो क्या होगा? ब्रेक द आइस का मतलब होता है इनिशिएट, काम वगैरह कोई वर्क वगैरह शुरू करना, तो इनिशिएट तो क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना, यानी चुप्पी, तो हिंदी में इसको कहते हैं चुप्पी तोड़ना, जहाँ सब लोग चुप हैं शांत हैं तो वहाँ पर कुछ बोलना शुरू करना, खामोशी मतलब खामोशी को भंग करके लोग कुछ बोलने लगे, तो इसको कहते हैं ब्रेक द आइस, यानी बातचीत शुरू करना, बातचीत शुरू करना, बोलना स्टार्ट करना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना, तो क्या हो गया, स्टार्ट कन्वर्सेशन। और इसी के साथ ही आपका 42 जो है क्वेश्चन समाप्त हो गए, और टाइम से हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया, और बैटरी ने हमारा पूरा साथ दिया, इसके लिए बैटरी का बहुत बहुत धन्यवाद, गया नहीं आवाज़, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा आपको कोई भी कहीं डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप उससे बेशक पूछेंगे, कहीं भी कभी भी अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ में डाउट हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, तो इम्पैक्ट एकेडमी हर मोड़ पर, हर कदम पर आपके साथ है। जब भी आप किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, जिस तरह कोई दिक्कत होगी, कुछ भी आप चाहेंगे, तो आपको हर तरह की मदद, एकेडमिक मदद, आपको हर तरह की मदद मिलेगी, हर सब्जेक्ट में मिलेगा, हर टीचर हमेशा तैयार रहता है। अपना अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।